वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हैंडकरचीफ की या देखिए बॉर्डर बनाने के तरीके लेकर आए हैं। इसे हम एंकर बॉल धागे से बनाकर तैयार किए हैं। आप चाहें तो इसे साड़ी का बॉर्डर बना सकते हैं या दुपट्टे में भी डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए फिर इसे बनाने के लिए मेरे साथ। इस हैंडकरचीफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इस तरीके का कपड़ा लेंगे। यह चौकोर कपड़ा होना चाहिए, यह देख सकते हैं आप। और यह धागा है, एंकर बॉल धागा है। यह एम्ब्रॉयडरी के काम आता है, यह क्रोशिया बनाने के काम में भी आता है। क्रोशिया से जो हम इसकी फ्लावर या टेबल क्लॉथ मैट बनाते हैं उससे भी हम इसी से बनाते हैं। यह धागा बिल्कुल रेशम का होता है, आप देख सकते हैं इसे। और यह क्रोशिया है, धागे के अनुसार क्रोशिया लेना है। 5 नंबर की यह क्रोशिया है, तो हम इससे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इस किनारे को हम फोल्ड कर लेते हैं, चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए पहले फोल्ड करते हैं। यहाँ देखिए हम धागे को इस तरीके से लपेट लिए हैं उंगली में, और इस किनारे को जो है यहाँ रखे हैं। यहाँ देखिए इस किनारे को हम यहाँ रखे हैं और इसे हम इस तरीके से फोल्ड किए हैं। और क्रोशिया से हम इसमें इसे डालेंगे इस तरीके से, हमें छोटा सा होल करते हुए इस तरीके से, देखिए यहाँ इस तरीके से लेना है इस तरीके से। और इसे हम इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब इसे हम स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ हम 4 चैन लेंगे, 2, 3, 4 चार चैन लिए। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से हम लेंगे और यहाँ हम बिना फंदा लिए हुए इसे हम इस तरीके से डालेंगे और इसे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसे डालना है। लगभग 1/2 इंच दूरी पर इसे हमें डालना है। फिर 4 चैन लेंगे, 1, 2, 3 और 4। फिर देखिए यहाँ इस तरीके से यहाँ बिना फंदे का लेना है। यहाँ देखिए इसमें हम डालेंगे और इसे हम इस तरीके से बनाते हुए जाते हैं। यह देखिए इस तरीके का हमारा किनारा बन रहा है, 1, 2, 3 और 4। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ी दूरी पर हम लेंगे, यहाँ लिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए यह हो गया 1, 2, 3 और 4। अब देखिए यहाँ फिर हम इस तरीके से हम यहाँ आएंगे, फिर 1/2 इंच की दूरी पर इसे हम इस तरीके से डालेंगे। यह देखिए इस तरीके का हमारा बन रहा है। इस तरीके से बनाते हुए चारों तरफ हम कंप्लीट कर लेते हैं, 2, 3 और इस तरीके से 4। अब फिर यहाँ फिर देखिए यहाँ डालेंगे, बिना फंदा का लेना है। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करते हुए बना लेते हैं। चारों तरफ हमें इसी तरीके से चारों तरफ बनाना है। अब देखिए हम इसे इस तरीके से चारों तरफ हम बनाकर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से हम कॉर्नर पे इस तरीके से हमें बनाना है, नॉर्मल तरीके से इस तरीके से कॉर्नर पर हम बना लेते हैं। इस तरीके से बनाते हुए हम टोटल हम चारों तरफ हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यह देखिए इस तरीके से हमें बनाना है, चारों तरफ हमें इसे बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम ऊपर का भाग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ जो है यह टोटल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं इस तरीके से हम आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है। यह देखिए इस तरीके से हम लेंगे, 1, 2, 3
चार पाँच छः। अब देखिए यहाँ बन गया। अब यहाँ जो लास्ट है इसमें हम इस तरीके से बिना फंदे का हम इस तरीके से लेंगे और इधर भी बिना फंदे का हम इसमें डालते हैं। इस तरीके से हमारा दिखेगा, या देखिए इस तरीके से हमें बनाना है टोटल को, इस तरीके से दिखेगा। फिर देखिए एक बार और रिपीट करते हैं डिजाइन को। एक दो तीन चार, आप अपने अनुसार इसे बड़ा छोटा डाल सकते हैं। पाँच छः, हम यहाँ छः डाले हैं। अब देखिए यहाँ बिना फंदा का हमें इस तरीके से इसे बुनना है और इधर वाले जो पार्ट है, या देखिए इधर वाला, इसमें भी बिना फंदा का हमें बुनना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा यह डिज़ाइन देखिए बनता हुआ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए बनकर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमें टोटल बुनकर तैयार कर लेना है। अब इसे देखिए हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और टोटल चारों तरफ हम कॉर्नर भी लेते हुए चारों तरफ हम इसे बना करके तैयार कर लेते हैं। यह जो हम जो भी बना कर रखे हैं किनारा चैन वाली, उसमें इसी तरीके से हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं इस डिज़ाइन को। देखिए यह आपकी इच्छा है, आप घना देना चाहते हैं तो घना भी दें या कम घना रखना चाहते हैं तो कम भी दें। इस तरीके से अब हम देखिए फिर रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को, अब बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए यह डिज़ाइन को आप दुपट्टे में भी डालेंगे, साड़ी में डालेंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो हम इस बनाकर इसे अब तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा लास्ट एंड हो गया है। इस तरीके से हम इसे एक डॉट लगा देते हैं और इसे हम कट कर देते हैं यहाँ पे। यह देखिए हमारा हैंडकरचीफ बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से आप भी हैंडकरचीफ का बॉर्डर बनाएं क्रोशिया से और इस एंकर धागे से, बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। तो आप भी मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।